नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। मैं ग्राम तुलसी विहक निवासी हूँ। मैं राखी ग्राम संगठन का VRP के पद पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कई सालों से दीदी लोग सब्जी की खेती वगैरह कर रहे हैं इसके, और रासायनिक से काम करते थे, आज प्राकृतिक खेती के ओर बढ़े हैं। चले आइए, हम लोग आज सीखेंगे प्राकृतिक विधि से कैसे बीज उपचार करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, कौची कर रही हो अहाँ एने? जो कल नहीं बोल रहा कि बीज उपचार करब है, तो है जानकारी लेवे लगी लिया। अच्छा, हाँ चलो उधर बता दहियो। तो चलो दीदी। मेरा नाम सुनैना देवी, ग्राम तुलसी विघा में जमुना जीविका स्वयं सहायता में सदस्य हूँ। राखी ग्राम संगठन जीविका में मैं सदस्य हूँ। मैं CM पद पर मैं काम करती हूँ। मैं 8 समूह में काम करती हूँ। जैविक खेती के बीज उपचार करेला यही इतना सामान, यही इतना सामान लगा दीदी? हाँ इतना सामान लगा हो जी। ये कदुआ के बीज है को? अच्छा, कदुआ के बीज होले। हाँ। दीदी दी, आई ये कौन चीज दीदी? केचुआ खाद है। केचुआ खाद होला? हाँ। अच्छा, ये के दीदी? गौमूत है। गौमूत्र है ये? हाँ। दीदी बीजा मित्र होले दीदी। आई बर्तन में ये बर्तन रख ले, ये पानी गरम करेला जे वह से लगी पानी रख ले दीदी। हाँ। अच्छा आई दीदी, ये सब सामान कितना लगते है इकट्ठा में? कद्दू के बीज लगा को 20 ग्राम जे 20 ग्राम दीदी। हाँ। और केचुआ खाद 50 ग्राम। केचुआ खाद 50 ग्राम? हाँ। आई 10 ml जी। अच्छा, पुत्र 10 ml 10। बीजा अमृत बाद दीदी? बीजा अमृत बाद 5 ml 5 ml पानिया लग तो 100 ml 100 ml मतलब 100 ml में गरमा आदि करके गरम करके बीजवा के अथी करेला। अच्छा दीदी, सबसे पहले पानी गरम करबो बीज उपचार करने की करेला। तो सबसे पहले माने दीदी पानी उपचार पानी गरम करबो? हाँ। तो पानी खौलेबो दीदी? ना ना ना, सुसुम करबो। सुसुम सुसुम माने कौचो दीदी? सुसुम जा के हाथ सह सके, माने खाली हाथ सहे भर में? हाँ। नहीं, माने हल्का गरम? हाँ हल्का गरम। अच्छा दीदी भैया, पानी गरम आवे चलो। अच्छा दीदी, माने पानी अब गरम करबो? हाँ। पानी हो भैया, देखो भाई ये पानी सुसुम हो गया। हाथ सहे भर पानी अब मैंने सुसुम हो गए दीदी? हाँ देखिए भैया, सुसुम पानी है। सुसुम पानी अब हो गए दीदी, तब की करबो? ये 100 ml में देबो। 100 ml एरम देबो? 100 ml के है दीदी? हाँ, गिलास 100 ml के है। अच्छा दीदी, तो 100 ml एरम पानी डालबो दीदी? हाँ। ओकर बाद अब दीदी देखो भाई, बीजवा जी में डालबो। तेरा बीजवा डालबो अब दीदी? हाँ। तो ये बढ़िया बीज रहते हो जब बैठ जी, तो खराब कर रहते जो उपला जी, मैंने खराब रहते जो ऊपर छहला जीते। हाँ। और बढ़िया कर रहते जो अथी हो जा बैठ जीते, मैंने यही पा अथी है दीदी। हाँ देखो भैया, ये 100 ml गिलास है, 100 ml में पानी डालबो। मैंने 100 ml देना है जाते नहीं दीदी? हाँ 100 ml देना है। अच्छा 100 ml पानी देबो, ओकर बाद दीदी बीजवा देबो? ओकर बाद हम बीज देबो। हाँ। तान दीदी सब बीज दहगले दीदी? जे नीमन बीज बा रहतो ना, जे बीज बा बैठ जीतो, जे खराब रहतो जे ऊपरे दहलाल रहतो। मन अभी? हाँ। अभी तो सभ्य डाल दी, तो सभ्य खराब हो जाए। 1 घंटा के बाद है बैठ जी, तो 1 घंटा मैंने 1-2 घंटा के बाद मैंने बढ़िया से फूल जीती, तो मैंने बैठ जीती बीजवा। हाँ। खराब कर दीजिए, ऊपर दहाल रहती, मैंने खोखा रहती जे वाला ना। हाँ। अच्छा दीदी देखो भाई, 1 घंटा तो हो गए, आई बैठ गेलो। अच्छा दीदी, तो हाँ दीदी बैठिए गेलो दीदी। इसमें अभी 50 ग्राम केचुआ खाद, मैंने 50 ग्राम मेरा आप केचुआ खाद मिलेबो दीदी? हाँ। एकरा मिला दबो भैया? अब एरा मिलेबो दीदी? हाँ। अच्छा 10 ml गौमूत्र डालना है। 10 ml मैंने अब एरा में गौमूत्र देबो दीदी? हाँ। ये दोनों ढक्कन में से, कोई ढक्कन से दो ढक्कन में गौमूत्र डालना है। अच्छा दीदी,
दो मैंने दो ढक्कन रस में 10 ml हाँ देना है। देना है। अच्छा दीदी, आपको बाद आप दीदी मिला देना है, मैंने मिला देना है बढ़िया से। हाँ अब एरा की करबो दीदी, एरा 12 घंटा फूले ला दे दबो, मैंने आप 12 घंटा एरा फूले लगी देबो दीदी। हाँ आ गया कमले से भैया। तो दीदी अब तो 12 घंटा हो गए दीदी। हाँ भैया चलो ना बीजा अमृत उमे देवो। अच्छा बीजा अमृत वा मिला के और हमें पानी गिरा के और मिली भो नहीं दीदी, हाँ वही वाला प्रक्रिया। हाँ अच्छा चलो दीदी बता दा कैसे करबो जे आबे रे की करबो दीदी। एकरा पानी के पसा के आ फिर बीजवा के निकाल के पसार देबो, मने एरा बढ़िया से अथी कपड़वा से लगा के दीदी। हाँ अच्छा दीदी मने लावा दीदी मदद कर दियो। मरे अब तो पानिया गिर गए दीदी, तब एरा की करबो, एकरा पसार देबे, एरा पसार देना है दीदी। हाँ 5 मिनट ला। अच्छा दीदी मैंने पसार के मैंने पानी गिरे भरे रहा। हाँ मैंने पानी गिर जी थी पूरा दीदी, और बाद फिर की करबो दीदी बीज अमृत, मैंने पानी गिरला के बाद बीजा अमृत एरा मिला देबो। हाँ अच्छा दीदी अब तो 5 मिनट लगी हो गलो दीदी। हाँ एक बीज अमृत मिला देबो, मैंने बीजा अमृत तेरा मिले हो। हाँ जाए दीदी बीजा अमृत मिलवे से की फायदा है? ये फायदा है ना भैया कि एक में भुआ हुआ जाए ना। अच्छा जरा फुफंदी का है वो अथी का जे मैंने भुआ बीजवा हो जा है उसी के लिए बचाव के लिए और मैंने वरा से बचाव है दीदी। हाँ वह बचाव है। अच्छा 24 घंटा रा बांध के आधार देना है। अब मने रा बांध के अब 24 घंटा मने रख देना है। हाँ, कुरन लगी दीदी। हाँ कुरन ला। आए दीदी सब्जी तो समझ में ली दीदी, लेकिन दू चीज नहीं समझ में ली हमरा। एगो गायक मूत्र हले दीदी आ एगो जे ओ बर्मी कंपोस्ट वा माने केचुआ खादवा। ओ गैया का मूत्र हले ना भैया ता ओ ओकरा से कीड़ा मकोड़ा ना लगतो, माने कीड़ा वाला जो माने रहा जे सब मर जा है। हाँ मर जी तो अब ओ केचुआ वाला खादवा से केचुआ के खाद से पोषक अथी मिला है, माने पोषक तत्व में अथी हो जाने दीदी। हाँ अच्छा आए दीदी जे प्राकृतिक खेती करे से की लाभ है? ये लाभ है भैया कि पहले हम खेती करा ले तो बीज लावा ली बाजार से। अच्छा में पहले ही शोधन करके हम ना लगा हली तो उसी कारण से कोई पौधा उपज हो वाले कोई पौधा ना हो वाले, माने ने पौधा को जलमल है कोई नहीं भी जलमल ना जलमल है। अब है ना भैया कि अब घरे के भी बीज रहा है शोधन करके भी रोपा ही है तो सब पौधा पौष्टिक हार जलमा है। हाँ दीदी मैंने मान लो कि घर के वो बीज देखल रहा है देखल। हाँ, देखावल है अपन जानकारी के अंतर्गत रहा है, बाजार वाला तो कहिया का रहा है कहिया का नहीं भी रहा। हाँ, नहीं भी जलमा ला के ठका भी जाइए उसी कारण से अब बढ़िया से हम खेती कर रही हो। अच्छा जी पहले हम रासायनिक खाद से खेती कर लो खर्चा भी ज्यादा हो वालो, मैंने रासायनिक खाद से खेती कर लो तो ज्यादा खर्चा पड़ जाए दीदी। हाँ अब जैविक खाद से खेती करे तो कम भी खर्चा होबा हो अब बढ़िया खेतियो होबा हो, माने माने कम खर्चा में ज्यादा लाभ मिला है। लाभ ज्यादा मिला हो ये। अच्छा दीदी तू बहुत हाँ, बहुत जानकारी दल हो दीदी। हाँ, ये ले आओ धन्यवाद दीदी। अच्छा धन्यवाद आ जा के हम सब दीदी उदी के सबके बतेबन। हाँ, धन्यवाद भाई।